Hi everyone. Good evening. How are you all? Okay, so the fact is, for the online students and everyone who's going to attend recording, ye portal abhi change hona hai. Screen change honi hai. So abhi band kar diya jayega ye. 5 7 10 minute mein 15 minute mein jab bhi wo aate hain. Actually exchange ho raha hai kisi screen ke sath, screen change honi hai. Screen TV LED hai na? Hardware. तो अभी ये स्विच होना है किसी और एलईडी के साथ, तो इसीलिए ये रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ बंद हो जाएगा 5-7 मिनट में. ये वाला 25 में जा रहा है, दूसरा आ रहा है. हाँ, छोटा आया जो आईएएस वाला था. ठीक है, वहाँ पे क्लासरूम्स भी बड़े हैं काफी, ऑब्वियसली वी नीड समथिंग बिग. तो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट हाँ, 15-20 मिनट का एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं. ओवरव्यू तो क्या लेना है, कुछ देख लेते हैं, है ना? जो हम कर ही रहे थे सेक्शन, कल नहीं स्टार्ट करना था 18-19, है ना? मतलब करना था. हाँ हाँ, तो नया टॉपिक है आज के लिए. ठीक है, तो देखते हैं जब तक. ठीक है, आप जैसी होगा मुझे बता देना. नहीं चल जाएंगे ना फिर ये? नहीं सर, मैम से बात हो गई है, फिर क्लास नहीं लगेगी. ठीक है, सबसे पहले हमने बात करा था, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा था. चैप्टर का नाम क्या था? इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. चैप्टर नंबर 1 क्या था? 2 क्या था? 3 क्या था? यही है. ठीक है, ओके. आपको इसमें चीज क्या समझनी है, ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये आपको बताता है यार ओनरशिप कब पास हुई मानी जाती है, प्रॉपर्टी कब पास हुई मानी जाती है. पूरा का पूरा चैप्टर है ना, वो उसी से डील कर रहा है सिर्फ. ठीक है, तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी जो है ना, वो दो तरीके गुड्स में. ठीक है, एक तो एसर्टेंड गुड्स हो, एक तो एसर्टेंड गुड्स में होता है और एक अनएसर्टेंड में. ऑब्वियसली अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, अभी अगर उसी बाइफरकेशन की, यार एसर्टेंड में कब ओनरशिप पास हो जाती है, प्रॉपर्टी पास हो जाती है, और अनएसर्टेंड में कब होगी ओनरशिप पास, ये दोनों चीजें हम आज देखने वाले हैं. ठीक है, द पॉइंट हेयर इज कि सेक्शन नंबर 19 को ना, मैं एक जनरल सेक्शन बोलना चाहती हूं कि सेक्शन नंबर 19 को मैं किसी भी जगह पे फिट नहीं करना चाहती हूं. किसी भी जगह पे एज इन, ना ही यहां पे, ना ही यहां पे, एवरीवन, ना यहां पे फिट कर पा रही हूं मैं, ना यहां पे फिट कर पा रही हूं. मैं उसको ढीला सा रखना चाहती हूं बीच में कहीं का, लेकिन बाकी जगह पे सेक्शन 20, 19 को भी ऑब्वियसली दोनों जगह रीड कर लेंगे, 20, 21, 22, 24. मैं कह रही हूं 19 को दोनों जगह थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, क्योंकि बीच में बैठा ना, इसलिए कहने लगी हूं. ठीक है, इसको एसर्टेंट की कैटेगरी, एसर्टेंट के ओनरशिप को लेके बात करेगा ये वाले सेक्शन, और अनसर्टेंट को लेके आ जाएंगे सेक्शन 19, 18, थोड़ा सा 19, 20 एंड 25. जब हम पढ़ेंगे ना, सेक्शन 18 पढ़ाऊंगी सबसे पहले, पहले चलो 19 18 जो भी देख सकते हैं. सेक्शन 18 में ना एक इशू आता है, 18 ये ना पूरा चैप्टर जो है ना, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है. मेंस में इसका कोई क्वेश्चन नहीं देखा मैंने. ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर प्री के लिए इंपॉर्टेंट है. प्री के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ना आपको क्वेश्चन पूछना यार इसके एसेंशियल्स बताना जरा. सेक्शन 19 डील्स विद ऑप्शन सारे, और पूछेंगे मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा उसके लिए, ऐसे के क्वेश्चन आएगा. सेक्शन 18 डील्स विद विच टाइप ऑफ गुड्स, आप एक बार देखना जरा. 18 पढ़ो, पूरा पढ़ो एक बार सेक्शन 18 और मुझे बताओ. बात पता क्या आती है, बच्चे पता क्या देखते हैं, लास्ट वर्ड इज सर्टेन देख लेते हैं. लास्ट वर्ड दिख रहा है,
उसके बेसिस पे सर्टेन आंसर लिखाते हैं जो कि हो जाता है गलत. ठीक है, 18(1) ने सर्टेन के अंदर डाला फॉर अ रीजन कि वो अनसर्टेन की ही बात कर रहा है. सबसे पहले आ जाओ जेनरिक सेक्शन 19 देखते हैं, देन वी मूव टुवर्ड्स 18. ठीक है, आ जाओ. प्रॉपर्टी पासेस व्हेन इंटेंडेड टू पास. जनरल चीज है कि यार प्रॉपर्टी पास कब मानी जाएगी, जब नियत है पास करने की तब. ठीक है, आ जाओ. वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक और एसर्टेड गुड्स, द प्रॉपर्टी इन देम इज ट्रांसफर्ड टू द बायर एट सच टाइम एज द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड टू बी ट्रांसफर्ड. पहला क्लॉज ठीक है, बहुत ही बेसिक है. पार्टीज की जब नियत होगी तब ट्रांसफर मानी जाएगी प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने का मतलब क्या होता है? जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स, राइट, ओनरशिप एटसेट्रा, सब कुछ, बंडल ऑफ राइट्स यू गोना गेट. ठीक है, क्लॉज टू पे आ जाओ. फॉर द पर्पस ऑफ एसर्टेनिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज रिगार्ड शैल बी हैड टू द, ये प्री में आता है, प्री के लिए मार्क करो किस किस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि पार्टीज की, हमने बोला पार्टीज की नियत पर डिपेंड कर रहा है. नियत कहां से पता लगेगी? नियत डिटरमिन करने के तीन तरीके हैं, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, थर्ड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. ठीक है, ये तीनों चीजें प्री में आएंगी कि इंटेंशन कैसे पता लगती है आपके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म से, आप पार्टीज के कॉन्डक्ट से और केस के सर्कमस्टांसेस से. डन एवरीवन? ठीक है, क्लॉज थ्री पे आ जाओ. अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स द रूल्स कंटेन्ड इन 20-24 आर रूल्स फॉर एसर्टेनिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एज टू द टाइम एट विच द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू पास टू द बायर. इन्होंने बोला है जब तक उल्टी इंटेंशन नहीं नजर आ रही, तो 20 से 24 जब हम पढ़ेंगे, 20 से 25 को क्यों एक्सक्लूड किया गया है एक्चुअली, 25 और 18 को एक्सक्लूड करने का रीजन क्या है? 18 मैंने आपको बताया एक बहुत ही बेसिक लाइन बोल रहा है कि अनसर्टेन को अनसर्टेन कर लो, बस इतनी बात बोल देता है 18. अनसर्टेन को अनसर्टेन कर लो, ये कोई कुछ बता तो रहा ही नहीं है, इसलिए हमने 18 को इसके एम्बिट से बाहर रखा. और 25 जो है ना वो 23 की एक्सटेंशन मानी जाती है, 25 है वो 23 की एक्सटेंशन मानी जाती है, इसलिए उसको भी इसके एम्बिट से बाहर रख सकते हैं. 25 है, जब पढ़ोगे 25, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस. ठीक है, वो 23 क्लॉज 2 की एक्सटेंशन ही है, उसके एग्जाम 23 क्लॉज 2 और उसके एग्जाम्पल दे रखी है 25 में, बस ये है, कुछ 25 के पल्ले कुछ खास है नहीं है. ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी कैन एक्सक्लूड इट फ्रॉम द एम्बिट ऑफ दिस, जो हमने लिखा है ना कि इंटेंशन पता करने के लिए अगर कॉन्ट्रा इंटेंशन नहीं अपेयर हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम 20 21 22 23 का सहारा लेके, 24 तक का सहारा लेके हम पता कर लेंगे, पांच सेक्शन 20 21 22 23 24 इनका सहारा लेंगे और हमारे को पता लग जाएगा प्रॉपर्टी पास हुई थी कि नहीं हुई थी. पार्टी इंटेंशन कैसे पता लगेगी? तीन तरीकों से. यस, इंटेंशन पता कैसे लगेगी ना, प्रायोरिटी कैसे होगी? लेकिन आप देखो ना, क्लॉज टू पे आ जाओ एक बार. क्लॉज टू की पहली पहला वर्ड पढ़ो, नहीं टर्म्स उसके आगे पढ़ो, वो उसमें भी आ गया ना चीज, तो फिर उसको वन टू में डिवाइड नहीं कर पा रहे, उसमें लिख दिया उन्होंने ऑलरेडी. ठीक है, बाकी एवरीवन यहां तक ठीक है? 19 इसको वहां पे क्यों नहीं डाला? हाँ, इंटेंशन के बाद. यस यस यस, इन्होंने क्या बोला है, हम हेल्प क्यों ले रहे हैं? अनलेस द डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स. हो सकता है मैंने पता क्या आप कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मैंने बोला यार श्रद्धा ओके ध्रुव, गुड्स आप तक पहुंचे या ना पहुंचे, मेरी तरफ से ओनरशिप ट्रांसफर है, ऐसे का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है. इन्होंने बोला हाँ, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू सुपरसीड वट एवर इज इम्प्लाइड. सिंपल सी बात है, एक्सप्रेस हमेशा महान है इम्प्लाइड से. ठीक है, तो एक्सप्रेस में मैंने लिख दिया कि ध्रुव आपका ही होना है ये फलाना, राइट. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 19 जब तक आपकी कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर नहीं होती तब आपके 20 से 24 हेल्प करेगा, और 20 से 24 में आपके असर्टन और अनसर्टन दोनों कवर हो जाएंगे. डन यहां तक. कैन वी मूव टू सेक्शन नंबर 18 वंस अगेन नाउ? प्लीज डू. वेयर There is a contract for the sale of unascertained goods. No property in the goods. Please underline, no property in the goods is transferred. No property in the goods is transferred to the buyer unless and until the goods are ascertained. Simple.
जब तक असर्टेनमेंट नहीं हो जाती है प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी अनअसर्टेन के केस में, कुछ नहीं है उन्होंने बोला असर्टेन अनअसर्टेन को असर्टेन कर लो अगर ओनरशिप पास करनी है तो। अनअसर्टेन में कैसे आया वही तो आपको बता रही हूँ, इन्होंने बोला है अनअसर्टेन गुड्स पड़े बल्क, अनअसर्टेन पड़े बल्क, ठीक है उसके ओनरशिप को लेकर डिस्कशन चल रही है, कब मानी जाएगी? उन्होंने बोला काम करो इसे सर्टेन कर दो फिर मानी जाएगी कि उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। यही प्री का क्वेश्चन होता है सबसे ज्यादा, जहां पे बच्चे फंसते हैं असर्टेन और अनअसर्टेन नहीं, ठीक है। लेकिन असर्टेन गुड्स नहीं है ना, पहले असर्टेन नहीं है, उनको ट्रांसफर करने का तरीका बताया, अनअसर्टेन को ट्रांसफर करने का तरीका है, तरीका क्या है उनको असर्टेन करना, इसलिए यस यस उसकी ओनरशिप की बात करें, इसीलिए इसको अनअसर्टेन कहा गया, अनअसर्टेन की कैटेगरी में डाला गया and not asserted. यहां तक ठीक है everyone? Can we move ahead? Okay. Asserted नहीं हो गए आपके अलग करके, हाँ अलग करके रखनी दिए गए जब तक आपके, तब तक general rule. ठीक है okay next चले आ जाओ सेक्शन नंबर 20 में, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, पहली शर्त, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, सेकेंड शर्त, इन अ डिलीवरेबल स्टेट, the property in the goods passes to the buyer when the contract is made and it is immaterial whether the time of payment of the price or the time of delivery of the goods or both is postponed. baat suno ab dhyan se dekho, humne na pehli shart hai contract unconditional hona chahiye, matlab ye nahi bola gaya agar aisa karoge to transfer honge, agar pehle paise pakdaoge to transfer honge, aise koi condition lagayi nahi gayi hai, कॉन्ट्रैक्ट इज अनकंडीशनल कि भाई कोई मतलब विदाउट एनी कंडीशंस यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन, और किस चीज का है, फॉर दैट चेयर, फॉर दिस चेयर, डन हो गया, प्रोवाइडेड कि वो चेयर डिलीवरेबल स्टेट में हो। आपको याद है जब हमने पढ़ा था सेक्शन 2 क्लॉज 3, वहां पे एक वर्ड था जो लास्ट में आके बोल देता था कि यार जो एक इंसान बाउंड तब हो जाता है जब प्रोडक्ट उसका डिलीवरेबल स्टेट में आ जाए ऑन द पर्सन हैज नोटिस देयर ऑफ, कहा था देखो 2-3 जाके देखो फटाफट क्या लिखा है, बाउंड टू टेक डिलीवरी, तो तब तक बाउंड हो ही नहीं रहा जब तक डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आ रहा, ठीक है, तो उन्होंने कैसे बोला जब कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक था और ऑलरेडी डिलीवरेबल में था और कॉन्ट्रैक्ट जो वो अनकंडीशनल हुआ, इन सब केसेस में चाहे भाड़ में जाए डिलीवरी का टाइम, भाड़ में जाए पेमेंट का टाइम, हमारी डिलीवरी डन है और हमारी ओनरशिप ट्रांसफर्ड है। लेट अस रीड वंस अगेन, आई एम गोइंग टू गिव यू केस लॉज, डोंट वरी, ये तो बहुत ही बेसिक, आई थिंक ये कॉमन सेंस के प्रोविजन है ज्यादा, ठीक है, विल रीड, देखो, वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, डन, the property in the goods passes to the buyer when the contract is made and it is immaterial whether the time of payment of the price or the time of delivery of the goods or both is postponed, done, ye postpone wali baat kahin aur bhi dekhi thi na humne, theek hai, hamare paas na jab hum aage chalke padhne wale hain around 60s mein jaake bhi is provision aayega, एक मिनट रुको, आई थिंक
सेक्शन फाइव भी तो देखो यार, फाइव का वन देख लो, सेम लाइन। ठीक है, डन। बेसिक है, 20 समझ आ गया। राइट समथिंग। एक काम करो, पहले लिख लो। तो वर्ड जनरल लिखो प्रॉपर्टी के बारे में, पहले जनरल कुछ लिख लो प्रॉपर्टी के बारे में। क्या हो गया? इसी हेडिंग में, चैप्टर में, चैप्टर के अंदर एक जनरल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर के बारे में लिखने लगे हैं। पूरा चैप्टर समझा दूं? प्रॉपर्टी कौन सी होती है? प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टी मानी जाती है। प्रॉपर्टी कब मानी जाती है? गुड्स की पास हो गई है। ये बहुत ही जनरल है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, आपको एक मिनट में समझ आ जाएगा। जस्ट अ पैराग्राफ दैट यू गोइंग टू राइट, दैट्स इट। वेरी बेसिक पुनीत। द वर्ड प्रॉपर्टी मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी। द वर्ड प्रॉपर्टी मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी और ओनरशिप इन द गुड्स, और ओनरशिप इन द गुड्स एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम, एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम स्पेशल प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट। स्पेशल प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट, ब्रैकेट में लिख लेना, सेक्शन टू क्लॉज 11। सेक्शन टू क्लॉज 11 स्टॉप। व्हेन इट इज सेड दैट, व्हेन इट इज सेड दैट The property in the goods has passed. When it is said that the property in the goods has passed to the buyer, it means that the goods have ceased. It means that the goods have ceased to be the property of the seller, ceased to be the property of the seller and have become the property of the buyer, and have become the property of the buyer. Stop. The transfer of property in goods, the transfer of property in goods is distinct from, is distinct from delivery of goods. बहुत ही बेसिक है, कब सबको समझ आ रहा है क्या लिख रहे हैं ना? Delivery of goods full stop. Property in the goods may pass, property in the goods may pass from seller to the buyer, from seller to the buyer without the delivery of goods, without the delivery of goods to the buyer, without the delivery of goods to the buyer, that is, though the goods have, though the goods have never come into possession of the buyer, though the goods have never come into the possession of the buyer, comma, property in goods, property in goods is thus, THUS, is thus distinct from possession of goods. Possession of the goods. Please read it once and get back.
इजी, ठीक है। इसका केस लिख लो टार्लिंग, TARLING, टार्लिंग, ARLING, टार्लिंग वर्सेस बैक्स्टर, BAXTOR, टार्लिंग वर्सेस बैक्स्टर 1827। चलें एवरीवन, ओके। इसमें ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था स्टैक ऑफ हे का, सूखी घास का स्टैक बना पड़ा था, उसका कॉन्ट्रैक्ट था, वो डिलीवरी होने थे 2 दिन बाद, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में पड़े थे, स्पेसिफिक गुड्स थे, ठीक है। अब हुआ क्या, 2 दिन बाद डिलीवरी होनी थी, अगले दिन उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, पैसे कौन भरेगा? बायर, क्योंकि हमने माना ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी, गुड्स स्पेसिफिक थे, डिलीवरेबल स्टेट में थे, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट था, हमने मान लिया था कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, घाटा हो भी जाता है तो बायर भरेगा। अब आपको लग रहा होगा ये दिस इज नॉट सैटिस्फाइंग योर कॉन्शियंस, बट मैंने पहले ही बोला था बहुत सारी, हाँ, बहुत सारे प्रोविजन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अगेंस्ट इक्विटी हैं। समझ आ गया बोला क्या मैंने? हैं एवरीवन, प्लीज राइट डाउन, देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्टैक ऑफ हे, देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्टैक ऑफ हे विच द बायर परचेज फ्रॉम द सेलर, विच द बायर परचेज फ्रॉम द सेलर फुल स्टॉप, इट्स डिलीवरी वॉज टू बी डन, इट्स डिलीवरी वॉज टू बी डन आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 डेज बिफोर द डिलीवरी गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर हु विल सफर द लॉस। दो मिनट बस, हु विल सफर द लॉस, लिख लोगे आंसर? पता ही है कौन, स्टैक ऑफ ए। आप सारे एसेंशियल्स मैच करोगे इस सेक्शन के, ये एसेंशियल्स हैं और आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है एवरीवन? ठीक है, यहां से कंटिन्यू करेंगे कल। वी आर डन विद 18, 19 एंड 20, ठीक है। इवन इफ आई कंटिन्यू विदाउट अ पोर्टल ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए मुझे दोबारा कराना पड़ेगा, इसलिए आई एम नॉट वॉन्टिंग, ठीक है, कि मैं यहाँ पे अलग कराऊँ और ऑनलाइन दोबारा कराऊँ, या फिर इफ यू गाइस आर कीन यू कैन वेट फॉर 30 मिनट्स, ये सेटअप हो जाएगा, कल करते हैं फिर, ठीक है, थैंक यू।